देश भर में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे कुकृत्य के विरोध में बोकारो नगर की गृहिणी महिलाओं ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए जियो और जीने दो के संदेश के साथ बोकारो के हृदय स्थली बोकारो मॉल के समक्ष एक घंटे का मौन विरोध जताया। इन घरेलू महिलाओं ने अपने घर की दिहाड़ी लांग बाहर निकली और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य से पीड़ित महिलाओं को न सिर्फ न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है, वरन इस कुकृत्य से पीड़ित महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त करने की योजना पर काम कर रही हैं। इस मुहिम से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि मानसिकता ऐसी कि 6 वर्ष की बच्ची हो या 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला, यह कुकृत्य किसी के साथ भी हो जाता है। हमें जरूरत हमारे आसपास रहने वाले ऐसी मानसिकता के लोगों को पहचानने की। ऐसा नहीं है कि इस कुकृत्य को सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही अंजाम देता है, वरन संभ्रांत माने जाने वाले भी इसमें सम्मिलित हैं। यह एक मानसिक रोग है जिसकी पहचान करनी जरूरी है। साथ ही कहा कि हमारा यह मुहिम किसी संगठन या सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस जघन अपराध के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना ही उद्देश्य है। घर के द्वार के डेहरी को लांग करके आपको बाहर क्यों निकलना पड़ा है? घर की देहरी और द्वार को लांघना इसलिए पड़ा कि हम घर के द्वार में रह के हम हमारी बेटी हमारी बहू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम सब हमेशा एक मानसिक दबाव में रहते हैं कि बेटी अकेले गई है, सुरक्षित वो घर वापस आएगी कि नहीं, बहू नौकरी पे गई है, वो सही सलामत घर लौटेगी कि नहीं। और आप अभी देख रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ हो रहा है, कहीं भी चाहे बेटी वकील हो, डॉक्टर हो, लेक्चरर हो, हर जगह किसी न किसी तरह से वो प्रताड़ित है और बलात्कार और छेड़छाड़ ये सब तो होता ही है। बावजूद इसके बहुत तरीके से मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित है, जो अपनी बातें किसी को कह नहीं पाती, चाहे कार्य क्षेत्र हो या संसद हो, औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो अब ये लगा कि ये राजनेताओं के हाथ में देने से अच्छा है कि हम आम महिलाएं अपनी सुरक्षा करने के लिए कदम बाहर बढ़ाएं, संगठित हो, आंदोलित हो और अपनी रक्षा का उपाय स्वयं करने का रास्ता ढूंढें। ये जो अमानवीय कृत्य महिला और बच्चियों के साथ हो जाता है, उसके बाद वो पीड़िता जो होती है वो हर क्षण उस पीड़ा से उसको पीड़ा वो डसते रहता है। इसको बचाने के लिए आप क्या करने जा रही हैं, आगे आपको क्या सोच? पहले तो कहना चाहूँगी कि लोगों को सोच बदलनी होगी। जो भी महिला इस तरह की कृत्य का शिकार होती है उसकी अपनी गलती नहीं होती है। ये एक तरह से जो मानसिक रूप से विकृत मनोवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा कृत्य करते हैं। एक पुरुष, दो पुरुष, 10 पुरुष मिलके एक महिला के शरीर के साथ इस बुरी तरह खेलते हैं कि जैसे वो कोई हाड़वास की चीज है ही नहीं। और कहना ये चाहूंगी कि जो महिला, जो बच्ची, यहाँ तक कि वे बलात्कारी उम्र नहीं देखते, 85 साल की वृद्ध महिला के साथ भी इस तरह के कृत्य करते हैं और खुलेआम घूमते हैं, और वो महिला, वो बच्ची जिनके साथ ऐसा कुछ होता है वो खौफ के साए में जीती है, वो एक तरह के ट्रॉमा में आ जाती है, लोगों का सामना नहीं कर पाती और लोग भी आते जाते उन्हें ऐसी नजरों से देखते हैं कि जैसे उन्होंने ही लोगों को, पुरुषों को बोला कि आओ मेरे साथ बलात्कार करो। कहना ये चाहूंगी कि लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और बच्चियों को प्रोत्साहन देना